हेलो नमस्कार। तो स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो भाई वर्ल्ड कप अपनी समाप्ति की ओर है। लीग मैच अब लगभग हर टीम के एक या दो मैच रहे हैं। तो भाई कल मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने 7 विकेट ऑस्ट्रेलिया के ऐसे निकाले कि यह ऐसा लग रहा था कि मैच अफगानिस्तान जीत गया। 107 रन पर 7 विकेट चले गए थे ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद आया मैक्सवेल भाई, मैक्सवेल आया भाई, उसके पैरों में क्रैम्प आ गए थे, सब कुछ हो गया, चल नहीं पाया। उसने भाई डबल शतक मारी, 200 रन मार कर अपनी टीम को जिताया भाई। उसके लिए सलूट है, क्या बैटिंग की आपने, पारी तो देख ली होगी। तो भाई बंदा यानी 7 विकेट उड़ गए थे, उसके पश्चात उसने 200 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई और सेमीफाइनल में पहुंचे भाई। ये एक अलग ही पारी खेली मैक्सवेल, कल दिखाया मैक्सवेल ने मैक्सवेल पारी कौन सी होती है। तो भाई अफगानिस्तान की तरफ ये मैच चला गया था, लेकिन फिर जो भाई पिटाई की है बॉलरों की, उसने फिर क्रैम्प आने के बाद सिंगल रन एक नहीं लिया, दोनों ने, उसके सामने पैट कमिंस भी था, उसने भी नहीं लिया क्योंकि उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। तो भाई पैट कमिंस ने उसका अच्छा साथ दिया भाई। रन चाहिए, रन टीम चाहती है कि जल्दी से जल्दी रन पूरे हों, लेकिन उसके पैरों में क्रैम्प होने के कारण एम्पायर ने भी बोला था कि बाहर चले जाओ आप, आपसे नहीं दौड़ा जाएगा। तो लेकिन वो बाहर नहीं गया और खड़े खड़े 6-4 मारे भाई, क्या शॉट मारे, देखने लायक था। कल का मैच नहीं देखा है तो भाई हाईलाइट देखो, और क्या 200 रनों की पारी खेली है। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बनाया इसने, यानी 200 रन अभी तक किसी का नहीं है। तो मैक्सवेल की पारी तो कल बहुत अच्छी रही, अब पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में। तो अब चौथे नंबर की लड़ाई चल रही है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान अफगानिस्तान, देखते हैं वो क्या होता है। लेकिन चलते हैं आज के मैच पर, आज है नीदरलैंड वर्सेज इंग्लैंड। जी हाँ, नीदरलैंड इस मैच में अच्छा ही किया, लगभग 2 मैच जीते हैं। और नीदरलैंड में आज मुझे लग रहा है वी सिंह, अम मसूद, बी डिल्ले और एस अहमद ये परफॉर्मेंस करेंगे तब नीदरलैंड मुझे लग रहा है आज भी जीत जाएगी इंग्लैंड के सामने। इंग्लैंड वैसी टीम रही नहीं है कि वो आपको हरा पाए, तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड आज नहीं जीत पाएगी नीदरलैंड से अभी। तो देखते हैं इंग्लैंड आज क्या करती है। अगर इंग्लैंड को जीतना है तो जोस बटलर का चलना आवश्यक होगा, जो कि कप्तान है इस टीम के। जो रूट को चलना पड़ेगा, डे विल्ली को चलना पड़ेगा, एम वुड, मार्क वुड को चलना पड़ेगा। अगर ये परफॉर्मेंस करेंगे तो चांस बनेंगे कि इंग्लैंड आज विन कर जाए। तो आप कमेंट करके बताइए आज कौन सी टीम जीतेगी, नीदरलैंड वर्सेज इंग्लैंड। कल जैसा मैच हुआ तो भाई एक नेक्स्ट लेवल का ही मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।